मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश सेकेंड क्लास एट्थ एंड टुडे वी विल लर्न विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स एज वर्ब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू वॉट इज फाइनाइट वर्ब. सो टेल मी वॉट सो बेसिकली अ वर्ब दैट इज लिमिटेड बाई द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज फाइनाइट वर्ब. तो कोई भी वर्ब जो कि अपने आपसे अपने आप में नंबर या पर्सन में लिमिटेड हो, यानी कि आई प्ले आई ही दे ये सब, तो ये होता है क्या, फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, और जो अपने आप में नंबर और पर्सन में क्या हो, लिमिटेड हो, मतलब कन्वर्सेशन के दौरान ही ये वर्ब्स यूज होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, जब आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव. सो लेट स्टार्ट. सो यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स कैन बी यूज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एज. तो इन्फिनिटिव्स किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट की तरह. ठीक है, जैसे टू प्लीज एवरीबडी इज़ नॉट पॉसिबल. तो टू प्लीज एवरीबडी, तो क्या है कि यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, प्लीज़ करना. कोई वर्ब क्या है, एवरीबडी. यहाँ पर जो एवरीबडी है वर्ब है और काम क्या है वर्ब का, प्लीज़ करना. ठीक है, तो टू प्लीज एवरीबडी इज़ नॉट पॉसिबल. टू टेल लाइज इज़ अ सिन. तो टू टेल लाइज इज़ अ सिन. टू डू वंस ड्यूटी इज़ अ गुड हैबिट. ऑब्जेक्ट फिर क्या होता है कि दूसरा जो यूज है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ये. ठीक है, इन्फिनिटिव्स, जैसे कि ही वॉन्टेड टू स्टे. टू स्टे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है वर्ब का. श्याम डज नॉट लाइक टू सिंग. आसिफ प्लान टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन एज इट सीम्स टू बी अ हॉलीडे. माई ड्यूटी इज टू लर्न माई चैप्टर. एन ऑब्जेक्टिव कॉन्टेम्प्लीमेंट्स. तो क्या होता है कि ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट होता है वर्ब का और इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन हो सकती है इससे. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है वर्ब का और इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन हो सकती है. जैसे इट सीम्स टू बी हॉलीडे, तो ऐसा लगता है, ऐसा समझ में आता है जैसे छुट्टी, तो इट सीम्स टू बी हॉलीडे. तो टू बी यहाँ पर क्या है, कॉन्टेम्प्लेंट है वर्ब का, और क्या है कॉन्टेम्प्लेंट मतलब कंजंक्शन का काम कर रहा है सेंटेंस जोड़ने का, और इसके साथ साथ क्या काम कर रहा है कि वर्ब का इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन भी दे रहा है कि ऐसा लगता है कि छुट्टी है, अभी कंफर्म नहीं है. ठीक है, फिर एन ऑब्जेक्टिव कॉन्टेम्प्लेमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉन्टेम्प्लेमेंट भी बन सकता है, जैसे फादर अलाउड मी टू प्ले. द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, जैसे कि प्रपोजिशन यहाँ पर क्या है, टू लीव. द बस इज अबाउट टू लीव. तो प्रपोजिशन यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है अबाउट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का. तो बस क्या है, बस यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जेक्ट जब जाता है तो द बस इज़ अबाउट टू लीव. ठीक है, वी ऑल्सो यूजेज इन्फिनिट इन द फॉलोइंग केसेस. तो क्या होता है कि हम इन्फिनिटिव्स को और भी कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं. विद वर्ब्स टू एंड इनफ, तो क्या हो सकता है, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड. तो हम एडवर्ब को टू और इनफ से भी वो कर सकते हैं, जैसे कि ये सब वर्ड्स ही हैं, ये कोई सेंटेंस नहीं है, कुछ नहीं है. इन्फिनिटिव्स जो हैं वो टू स्टे टू को हम टू लगा करके कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, वो इन्फिनिटिव्स होते हैं. ठीक है, समझ गए, मैंने पहले ही तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो वर्ड्स होते हैं वही होते हैं इन्फिनिटिव्स बन जाते हैं आगे चल करके. जैसे कि इसमें देखिए इन्फिनिटिव होता है टू रीड, तो यहाँ पर इट इज़ ऑफन प्रोसीड टू. समझ गए, अब इन्फिनिटिव को हम टू और इनफ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टू ही इज टू वीक टू स्टैंड, यू आर ओल्ड इनफ टू नो. ठीक है, एज एन एडवर्ब टू टेल पर्पस, एडवर्ब की तरह भी एक ऐसा एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पर्पस बता सकता है. ठीक है, ऑन आर वी स्टॉप टू बाय वेजिटेबल्स, तो हम अपने रास्ते में रुक गए क्या करने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, टू बाय. तो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब जो है वो पर्पस बता रहा है अपना. टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव और नाउन, तो ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ, तो ऑक्सीजन क्या है, नेसेसरी है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. तो यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव या नाउन, यहाँ पर नाउन है और हम नेसेसरी क्या है उसके लिए, ऑक्सीजन नेसेसरी है लाइफ के लिए. ठीक है, लाइफ यहाँ पर एडजेक्टिव है. ठीक है, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ. अब टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, टू टेल यू द ट्रूथ, आई डू नॉट नो हाउ आई वॉन द मैच, तो सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए. तो टू टेल यू द ट्रूथ, आई डू नॉट, आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन इन्फिनिटिव्स का. ये ऐसा कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, आपको इन्फिनिटिव्स एक शब्द होते हैं जो कि आपको अपनी जनरल कन्वर्सेशन के दौरान इस्तेमाल करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये इसलिए टू टेल टू में कैसे वर्ड्स हैं, इनको आपको सिर्फ सीखना है, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है.
फिर आप पढ़ते हैं पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल, अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल एक वर्ब वर्ड होता है जो कि वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। सो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस पेज एंड आई थिंक दिस पेज इज वेल, बट वी हैव टाइम लेफ्ट, नॉट मच टाइम लेफ्ट, वी हैव 5 and 6 चैप्टर। सो वील कम्प्लीट इट टुमारो एज वेल, आई थिंक टुमारो आई विल कम्प्लीट योर चैप्टर। थैंक यू।